वेलकम बैक टू द चैनल अगेन, और आप सभी का स्वागत है वीके मौर्य लाइफस्टाइल में। सो गाइस, आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है सुंदर नर्सरी के ऊपर, ठीक है, जो कि अपोजिट है हिमायू टॉम के। आप देख सकते हैं साइड, वहाँ पर हिमायू टॉम है और इस साइड पर भी आपकी सुंदर नर्सरी, ठीक है, इस जो साइड है ये सुंदर नर्सरी है। तो हम आज आपको बताने वाले हैं कि सुंदर नर्सरी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, और क्या है, कैसा है, व्यू कैसे हैं, सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे, तो एंड तक आप बने रहिएगा, ठीक है। तो चलो अभी चलते हैं हम सुंदर नर्सरी के अंदर। अभी हमने इसकी टिकट्स खरीद लिया, ठीक है, इसकी 1% की 50 रुपीज़ की है, ठीक है, और 2% की वो हो गए 100 रुपीज़, ठीक है। अगर आप इंडियन हो तब है 50 रुपीज़। मैं अभी आपको बोर्ड दिखाता हूँ, ठीक है, बोर्ड पे क्या क्या है। और इन्होंने एक आउटलेट दिया हमें निज़ामुद्दीन जायके का, क्योंकि अंदर काफ़ी सारे कैफेज हैं, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। फर्स्ट पहले हम ना इस पर नज़र डालते हैं बोर्ड पर, ठीक है। ये है प्राइजेस, ये इनका मैप है, ठीक है, और काफ़ी सही लग रहा है सब चीज़ें में। इसमें पता है आपको झूले भी हैं बच्चों के लिए, लेकिन सिर्फ बच्चों के लिए, अगर आप बच्चों के साथ आओगे तभी एंट्री मिलेगी उसमें। उसकी टिकट है 20 रुपये की, ठीक है। अभी चलते हैं थोड़ा अंदर की तरफ। Few moments later. So guys, हमने जस्ट अभी एंटर किया है, ठीक है, मैंने आपको आउटलेट्स वगैरह दिखाए, रेट दिखाए कि क्या प्राइसेस है यहाँ पर, ठीक है, वो सब हुआ। अब जैसे ही आप गेट से एंट्री करोगे ना, एंट्री करते हैं यहाँ पर छोटा सा फाउंटेन है, और फाउंटेन के बाद आपको मेरे पीछे दिख रहा हूँ, कैमरा में थोड़ा जूम करके दिखाना पीछे करके, ठीक है, आप देख सकते हो वहाँ पर एक टॉम दिख रहा है हमें छोटा सा, वो भी हमें हम अभी हम अंदर चल के आपको दिखाएंगे, ठीक है। बस मैं आपको ये दिखा रहा था, घुसता ही एंटर करते एक फाउंटेन सा, बाकी ये पूरा गार्डन एरिया है, वहाँ पर घूमो कैमरा, ठीक है, यही सब है। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ, अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें और हैं, ठीक है, इसको चलिए लेट्स गो। सो गाइस, यहाँ का व्यू ना काफ़ी अच्छा है, ठीक है, जो एनवायरनमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा है, मतलब पैसा वसूल है 50 रुपीज़ में। हाँ, लग रहा है कि हाँ हम कुछ तो कर रहे हैं, ठीक है, और हिमायू टाइम से ना तो बहुत अच्छा है लिटरली, ठीक है। चलिए अब अंदर देखते हैं हम। सो गाइस, हम सुंदर नर्सरी के अंदर आए थे, और उस व्यू के बाद हमें यहाँ पे दिखी सुंदर नर्सरी की ऑडी, ठीक है, छोटी सी ऑडी है, एक स्टेज बना रखा है, मतलब कोई भी लाइक कोई बाहर से आया, कुछ परफॉर्म हो रहा है, कोई सिंगिंग हो गया, ये सब चीज़ें हो रही थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब हिमायू टॉम से तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। और आप बैक साइड में देखो तो इतना बढ़िया वो पेड़ों का व्यू, पेड़ों के बीच, ठीक है, आप इन्जॉय कर सकते हो। और आप अगर मतलब शाम को आए हो ना अपने फैमिली के साथ, तो अपने आप डॉग्स को ला सकते हो, चिल्ड्रंस को ला सकते हो, वो लोग भी काफ़ी बैठ के यहाँ पे इन्जॉय कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, कैमरामैन इनको एक बार 360 व्यू दिखा दो, ठीक है, तो आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ये सब कुछ देखने में, बहुत सही है सब कुछ यहाँ पर, ठीक है। सो गाइस, अभी जो आपने टॉम देखा ना, इसको कहते हैं हम सुंदर बुर्ज, ठीक है, जो कि बना था 16th सेंचुरी में, ठीक है गाइस, ये मुगल का था, ठीक है। अब चलो थोड़ा अंदर भी चलते हैं, अंदर भी दिखाते हैं आपको। सो गाइस, जैसे ही आप इस टॉम में से निकलोगे ना, इस टॉम से निकलते ही आपको इतना सुंदर सा व्यू मिलेगा, एक फाउंटेन जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है गाइस, और सच में बहुत सही लग रहा है, मेरे मुंह में ना शब्द नहीं आ रहे, मुझे इतना प्यारा लग रहा है ये चीज़, ठीक है गाइस। और मतलब जो व्यू है ना, आप मेरे सराउंडिंग्स में देखोगे इतने सारे प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, मतलब एक पूरा ग्रीनरी इन्वायरमेंट मिल रहा है हमें यहाँ पर आते हुए, और फ़ोटोज़ करवा सकते हो आप, फ़ोटोशूट भी कर सकते हो, बहुत बढ़िया सा है, ठीक है। चलो अभी ना हम आपको मैप के अंदर दिखाते हैं, मैप के अंदर क्या क्या है। देखो ये है बोर्ड इसका, ठीक है, जैसे इसमें एग्जैक्टली दिखाया गया ना, ये बिल्कुल वैसे ही इतना सुंदर बना हुआ है, ठीक है, जैसे टॉम क्रॉस किया हमने तो आपको यहाँ पर फाउंटेन दिख गए, ठीक है, और टॉम के उस पार तो जैसे ही हमने एंटर किया था तब हमने आपको दिखा दिया था। अब मैं तुम्हें आपको अंदर का दिखाता हूँ, चलो। आपको मेरे पीछे एक बढ़िया सा व्यू दिखने वाला है, ठीक है, देखो देख सकते हैं व्यू कितना सही लग रहा है, बहुत ही प्यारा, ठीक है। इसके मैं अभी थोड़े आपको सिनेमैटिक्स वीडियोस भी दिखा दूंगा,
बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मैंने एक फ़ोटो भी क्लिक किया है, मैं फ़ोटो को भी अभी डालने वाला हूँ, ठीक है, इसी बीच में डालूँगा फ़ोटो को, आप ज़रूर से देख लेना उसमें, ठीक है। अब थोड़ा अंदर चलते हैं, अभी मैंने आपको थोड़े सिनेमैटिक्स दिखाए, थोड़ी वीडियोस भी दिखा दी हैं, ठीक है, अब थोड़ा आपको अंदर का भी व्यू दिखाते हैं, तो अब चलते हैं मैं थोड़ा अंदर की तरफ, ठीक है गाइस। लेक है, ठीक है, फिर यहाँ पे आज़म बाग है, लखपर वाला बुर्ज है, और गुलिस्तान भी है, हर्बल गार्डन्स भी है, ठीक है। अब हम आगे चल के देखते हैं इन सब चीज़ों को, देख सकते हो सुंदर नर्सरी के पिक्चर्स ऑफ इट्स चेंज, ठीक है, कि पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई है, तो काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। सो गाइस अब आप देख सकते हैं ये लेक है जो हमने बोर्ड दिखाया था ना, ये लेक है, और कितनी अच्छी उसमें फाउंटेन भी लगा हुआ है, सच में बहुत ही बढ़िया लेक है, और इस साइड भी है और उस साइड भी है, आप देख सकते हो वहाँ पे कितना बढ़िया सा बन रहा है। अगर आपको कैमरे में रेनबो दिख रहा हो ना, तो वहाँ पे एक रेनबो भी है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो कोई नहीं, माइंड मत करना, पर है ज़रूर, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर तीन लेक है, एक तो ये हो गई, ठीक है, एक वो और एक वो, और लेक के साथ ना मतलब खाने का भी एरिया दिखा दिखा दो वहाँ पर, मतलब खाने की भी चीज़ें हैं बहुत सारी, मतलब टेबल्स लगी हुई हैं, आप अगर फैमिली के साथ आ रहे हो तो खा पी भी सकते हो, एंजॉय कर सकते हो चीज़ें, ठीक है, काफ़ी अच्छा था। और भी चीज़ें हैं, अभी हम आगे बहुत सारी चीज़ें बची हैं दिखाने को इसके अंदर, इसीलिए चलो चलते हैं। देख सकते हो आप यहाँ पे गार्डनिंग भी हो रही है, और दो भैया बैठ के ना वहाँ पे गार्डनिंग कर रहे हैं, देख सकते हो फ्लावर्स लगा रहे हैं, ये मेरे ख्याल से रोज़ हैं, ठीक है, ये रोज़ की गार्डनिंग हो रही है, और कुछ कुछ प्लांट्स में तो रोज़ आ भी चुके हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर काफ़ी सारे झूले भी हैं, ठीक है, मतलब झूले इन द सेंस ऐसी नॉर्मली है कि मतलब कोई भी अगर इंसान आए, ठीक है, तो थोड़ा फ़न फैक्टर कर सकता है, फ़न मज़े कर सकता है, तो इसीलिए थे झूले जो मेरे पीछे हैं, ठीक है। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो ये लेक, और वहाँ पर लोग पाँव डाल के बैठे हुए थे थोड़ा, ठीक है, गार्ड आके उन पर चिल्लाने लग गया, तो आप कभी भी अगर आओ ना तो ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। बाकी जो व्यू है ना वो व्यू इज़ ऑसम, ठीक है, आप देख सकते हो, शायद तो यहाँ भी आ गया पीछे पीछे, है ना, मना किया था ना, मत आइयो, मैं जा रहा हूँ, हम मत आइयो दोबारा। ये फैब कैफे है, कैफे, ठीक है, टाइमिंग है इसका। तो गाइस ये फैब कैफे, ठीक है, अब इसकी जो एंट्री है ना वो आगे से है, ठीक है। तो गाइस ये है फैब कैफे का बैक साइड, ठीक है, अब थोड़ा हम अंदर साइड चल रहे हैं, देखते हैं अंदर और क्या क्या है। तो गाइस ये चिल्ड्रन के लिए प्ले हाउस है, जिसकी टिकट है 30 रुपये, ठीक है। काफ़ी सही सही मतलब झूले हैं 20 रुपये में, बुरा नहीं है वैसे, आपके बच्चे लोग एंजॉय कर सकते हैं इसके अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे झूले हैं, ठीक है, यहाँ पर जो लोकेशंस हैं ये फैब कैफ़े का, अब काफ़ी अच्छा लगा है सब कुछ, ये देखो ये वहाँ पे स्टोन्स भी दिए हैं, मतलब मस्त है एकदम, चिल्ड्रन जोन है, और पता बच्चों के लिए ना बहुत अच्छा स्लोगन लिखा हुआ है, वेजिटेबल्स मेक अस स्ट्रॉन्ग। सो गाइस यहाँ पर आप बहुत कुछ है, देखो
भाई हमारे ऊपर चढ़ के फोटोग्राफ्स ले रहे हैं, ठीक है। मतलब लॉन्डो के अंदर तो एक अलग ही चुल्ल होती है भाई साहब, कि हाँ करना है कुछ तो, ठीक है। ये देखो गार्डनिंग इतनी बढ़िया है, फ्लावर्स वगैरह। सो गाइस देख सकते हो हमें झील के नाम पे क्या मिला, ये देखो झील होती है, तालाब मांग सकता हूँ मैं, हाँ तालाब सा, ठीक है। क्योंकि ये काफ़ी ना अंदर आके पड़ा है, ये एकदम सुंदर नर्सरी के देखो एकदम कोने कोने में, ठीक है। इस चलते हैं देखते हैं, पूरा एक्सप्लोर करेंगे क्या क्या है यहाँ पर। सो गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं, ठीक है। मुझे तो बहुत डर लग रहा था क्योंकि मैं जब चल रहा हूँ ना तो नीचे जो लकड़ और पत्तियाँ मेरे पाँव के नीचे आके से टूट रही हैं भाई साहब, फिर हॉरर लुक दे रही हैं एकदम, ठीक है। निकल चले हैं ये एग्जिट था, और देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पर। मतलब लोग तो बस आराम से भाई सब चटाई उठाई लेके आए, एकदम चिल मार रहे हैं बंदे, चिलिंग स्पॉट समझ लो, एकदम चिल कर रहे हैं लोग तो। सो गाइस पूरा क्विक रिव्यू और एक अच्छा रिव्यू हम दे चुके हैं अपने इस वीडियो का, ठीक है। हमने आपको सारे सब कुछ दिखा दिया, ऑडिटोरियम, वो क्या कहते हैं फाउंटेन्स, लेक्स, चिल्ड्रन का, चिल्ड्रंस के लिए यहाँ पर 20 रुपीज़ की टिकट है, जैसे कि आप अगर खाना वाना खा रहे हो, ठीक है। अब पेरेंट्स को तो बच्चे परेशान नहीं करें, तो इसलिए झूले दिए गए हैं ताकि बच्चे अपना इन्जॉय करें और पेरेंट्स अपना इन्जॉय करें, ठीक है। और ये पूरा ऐसे ही था, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, ठीक है। गार्डन्स हैं, मतलब बहुत कुछ होता है, फार्मिंग तो बहुत ज़्यादा ही होती है यहाँ पर, ठीक है। फार्मिंग वगैरह का भी बहुत कुछ है। तो गाइस बस इतना ही था सुंदर नर्सरी का, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब इट।